लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने आज नई मुंबई में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जनता का आशीर्वाद दिया। इस दौरान नई मुंबई के तुर्भे में उनके आगमन पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने जोरदार स्वागत किया। ढोल ताशों के बीच केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने यहां की जनता का अभिवादन किया और मोदी सरकार की ओर से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दोहराया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कपिल पाटिल का स्वागत करने वाले बीजेपी के नई मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पारंपरिक वेशभूषा असेल, पारंपरिक पद्धतीने असेल, अशा प्रकारचे त्यांचे स्वागत सुरूच आहेत। एअरपोर्टला उतरल्यापासून तर ते ठाणे जिल्ह्याच्या ठाणे शहरामध्ये काल फिरले, तिथेही पारंपरिक लोक होते, आदिवासी लोकांनी त्यांचं नृत्य करून स्वागत केलेलं आहे। उरणमध्ये देखील तेच आहे, त्याच पद्धतीचे पारंपरिक नृत्य करून ते करतील। इथे नवमीमध्ये देखील तेच आहे, आगरी समाजाचं एक तर बँड आता वाजतोय, इकडे आमच्या कोळी समाजाचा बँड वाजतो, इथे आगरी समाजाचा बँड वाजतोय, आणि अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं स्वागत होते। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।